होता है, बहुत ही प्राउड है, महिमान्वित है। उसके मंगलाचरण में कहा गया कि प्रतिज्ञा की प्रहलाद ने, प्रतिज्ञा का निर्वाह किया भगवान ने। बाल गोपाल प्रहलाद ने कहा मेरा ईश्वर सर्वत्र है, सर्वरूप है। हिरण्यकश्यपु ने कहा तू जिसके बल पर दहाड़ता है वह ईश्वर कहाँ है, कौन है? प्रहलाद ने कहा कहाँ नहीं है, सर्वत्र है, कौन नहीं है, सर्वरूप है। प्रहलाद की प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए भगवान स्तंभ को विदीर्ण करके प्रकट हो गए, खंभे से प्रकट हो गए। अपनी सर्वव्यापकता को भगवान ने सिद्ध की। नर और सिंह युग्म रूप में प्रकट हुए, इसलिए अपनी सर्वरूपता को भी सिद्ध कर दी। हम सनातन धर्मी जिसको परमात्मा समझते हैं, वह परमात्मा तत्व सर्वत्र है, सर्वरूपों में है। भगवान ही क्रिया कारक फल इन तीनों रूपों में उल्लसित हैं। अपनी अचिंत्य माया शक्ति के योग से भगवान क्रिया भी, कारक भी, फल भी। या कोई सातवें आसमान की गाथा नहीं है। हम आप भी स्वप्नावस्था में मनोयोग से क्रिया कारक फल तीनों रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। स्वप्नावस्था में हमको पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम इन सर्व रूपों में व्यक्त होने का बल और वेग प्राप्त होता है। स्वप्नावस्था में आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही वासना की प्रगल्भता से पृथ्वी होकर, जल होकर, अग्नि होकर, वायु होकर, आकाश होकर, स्थावर और जंगम प्राणी होकर उल्लसित है। स्वप्न तो प्रायः हर व्यक्ति को आता है, लेकिन स्वामी रामतीर्थ ने बताया 1966 में ऋषिकेश में 6 महीने तक हमने स्वामी रामतीर्थ के साहित्यों का अध्ययन किया है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा अपने जीवन में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। गिने चुने ऐसे महान भाव हैं जो इन तीन अवस्थाओं से लाभान्वित हो सकें। अगर व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के रहस्य को समझ ले तो सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर, मस्तों का मस्त, औलियाओं का औलिया, अवधूतों का अवधूत हुए बिना न रहे। त्यागात शांतिरनंतरम, कल और परसों मैंने कहा था त्याग का बल और वेग हो, न चाहने पर ही सही। स्थूल प्रपंच, स्थूल शरीर का अभानात्मक वियोग प्राप्त होता है। इस त्याग के बल पर स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का अभानात्मक वियोग हमको प्राप्त होता है। उस समय हमारे जीवन में इतना बल और वेग का संचार हो जाता है कि स्वप्न में हम पृथ्वी हो जाते हैं। सधी या सही दोनों पाठ है। सधी स्वप्नो भूत्वा, बृहदारण्यक, सही स्वप्नो भूत्वा। उस समय मन भी मन के रूप में शेष नहीं रहता, वह तो कार्य प्रपंच के रूप में परिणत हो जाता है। मनोयोग से स्वप्न में हम पृथ्वी हो जाते हैं, जल हो जाते हैं, अग्नि हो जाते हैं, वायु हो जाते हैं, आकाश हो जाते हैं। जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सर्व रूपों में हम अभिव्यक्त हो जाते हैं। इतनी शक्ति हमारे जीवन में क्यों प्राप्त होती है? त्याग के कारण। अनिच्छन्नपि, न चाहता हुआ भी व्यक्ति अगर त्याग से समन्वित हो जाता है, रपट पड़े तो हर गंगा। न चाहने पर भी अगर व्यक्ति के जीवन में त्याग हो जाए तो उस त्याग से वह लाभान्वित हुए बिना नहीं रहता। कई बार मैंने दृष्टांत दिया, पूर्व शरीर को हम भले ही न त्यागना चाहते हों
लेकिन मृत्यु का योग प्राप्त ही हो गया, उस शरीर का त्याग हो ही गया, उस त्याग का लाभ हमको प्राप्त हो रहा है या नहीं? पुराने रिश्तेदार नातेदार पुराना शरीर कुछ पता है आता है, आप जिस शरीर को लेकर यूँ यूँ करते रहते हैं उससे पहले जो शरीर था उसको लेकर भी यूँ यूँ करते थे, चाहे बंदर हो भालू हो देवता हो ऋषि हो मुनि हो, मनुष्य का शरीर रहा हो बिच्छू सर्प का शरीर रहा हो, लेकिन आज कहाँ गया वो शरीर? अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक जितने शरीरों को हमने प्राप्त किया है, कदाचित भगवत कृपा से 5 मिनटों के लिए हमको दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए और हमें उन सब शरीरों का दर्शन प्राप्त हो, तो एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए। अभी जो नृत्य कर रहे थे, इन्होंने अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागा, अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक, माने अब तक कह दें, अनादिकाल से अब तक इन्होंने जितने शरीर को त्याग दिया है, कदाचित दिव्य दृष्टि के द्वारा उन सब शरीरों को एक कालावच्छेदन ये देख लें, एक ये संगीत वाले नृत्य करने वाले महानुभाव के ही शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाएं। अनादि में अनंत में गणित की गति नहीं होती, गणे की गणना अनंत की लक्षणा का नाम गणित है। भगवत कृपा से हमने गणित की परिभाषा दी है विश्व को, जिसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था ना इंदिरा जी आदि ने, वो भी लिख लेना चाहिए। गणेय की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। गणेय माने जो गणना का विषय हो, काउंटिंग की सेवा में हो, और अनंत की अगणित की लक्षणा, गणेय की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। अनादि और अनंत में गणित की गम नहीं है, गति नहीं है। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है कि अनादिकाल से एक एक जीव ने जितने शरीरों को अब तक सब बना दिया है, उन शरीरों की संख्या कितनी होगी। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती। अनादिकाल से अब तक एक एक जीव ने जितने शरीरों को सब बना दिया है, कदाचित उसके द्वारा त्यागे गए उन सब शरीरों का एक कालावच्छेदन उसे दर्शन प्राप्त हो तो कोटि कोटि ब्रह्मांड उसके शरीरों से पट जाएंगे। भगवान विराट का चित्र छपता है श्रीमद् भगवद गीता के 10वें 11वें अध्याय के आधार पर, लेकिन हमारा आपका भी जितने शरीरों को हमने सब बना दिया है, केवल उतने शरीरों से युक्त हमारा स्वरूप दिखाई पड़े, कौन सा श्री विग्रह होगा जिसे हमने कभी धारण न किया हो? कभी हम देवराज इंद्र भी रहे होंगे, कभी बंदर भी, कभी भालू भी, कभी मच्छर भी, कभी कीट भी, कभी पतंग भी, कभी बिच्छू भी, कभी वृक्ष भी, कभी नदी भी, कभी सरोवर भी, कभी पर्वत भी, क्या इसका अर्थ क्या हुआ? यह क्रम चलता रहता है। जब तक जीव अपने वास्तव स्वरूप को नहीं समझ लेता, अपनी सच्चिदानंद रूपता का उसे बोध नहीं हो जाता, तब तक जन्म और मृत्यु की अजस्र परंपरा चलती रहती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का वचन है गीता के 5वें अध्याय में, यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। उनके द्वारा जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर सम और निर्दोष आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। अब मेरी तो भाषा है, बोलने का ऐसा ही अभ्यास है, श्रोताओं को कठिनाई पड़ती होगी जो नए श्रोता हैं, क्या हमारी टिप्पणी की जाती है कि जब तक एक वाक्य पर ध्यान रखें तब तक 10 वाक्य बोल देते हैं, कुछ पकड़ में नहीं आते, हमारे बोलने की यही शैली है।
अनादिकाल से अब तक हमने अपने जितने शरीरों को सब बना दिया है, कदाचित एक कालावच्छे दिन उन सब शरीरों का हमें दर्शन प्राप्त हो तो केवल हमारे द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाएं। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक स्वयं को आज अनादि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म न समझ लें। इसलिए प्रहलाद ने कहा, हिरण्यकश्यपु ने कहा, किसके बल पर दहाड़ता है प्रहलाद, तेरा रक्षक कौन है, वो कहाँ रहता है। उन्होंने कहा, मेरा रक्षक सर्वरूप है, सर्वत्र है, भगवान सर्वत्र हैं, सर्वरूप हैं। इस खंभे में भी तेरा ईश्वर है। हाँ पिताजी, इस खंभे में भी है। अच्छा, गदा का प्रहार करता हूँ, देखता हूँ कि तेरा ईश्वर तेरी रक्षा कैसे करता है। भगवान स्तंभ से प्रकट हो गए, अपनी सर्वव्यापकता को सिद्ध कर दी। एक साथ नर और सिंह के रूप में प्रकट होकर भगवान ने अपनी सर्वरूपता को भी सिद्ध कर दी। फिर आगे क्या कहा, मन्ये स्वभृत्य ऋषि वाक्यमृतम विधातुम खड्गम प्रगृह्य यदवोचत यदवोचद असद विधित्सु त्वामीश्वरो मदपरो वतुकम हरामि। यह मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी सनकादि भक्तों ऋषियों के वचन को सत्य करने के लिए ही वैसा किया। बहुत गाथा विचित्र है, सावधान रहने की आवश्यकता है। हमने कई बार संकेत किया इस संदर्भ में, आखिर हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष कौन थे। भगवान वैकुंठनाथ के द्वारपाल जय विजय थे। सबसे ऊंचा पद हुआ भगवान वैकुंठनाथ। वैकुंठ में गमन ही बहुत दुर्लभ है। वैकुंठनाथ भगवान के द्वारपाल थे। कौन जाए जाए, भगवान वैकुंठनाथ के द्वारपाल थे। जय विजय, थोड़ी भूल हो गई। जो द्वारपाल होते हैं उनका दायित्व तो बहुत विचित्र होता है। विचित्र क्यों होता है द्वारपाल का दायित्व? अगर कोई क्रोधी से पाला पड़ गया, समर्थ से पाला पड़ गया, उसे मिलने जुलने से कुछ दो मिनट के लिए ही रोक दिया तो वो शाप भी दे सकता है। हम तो द्वारपाल आदि रखते नहीं और सुरक्षित रहते हैं फिर भी, लेकिन द्वारपाल का दायित्व बहुत विकट। जय विजय ने सनकादि महापुरुषों को थोड़े प्रतिबंधित कर दिया भगवान विष्णु के पास जाने से। कमल के पराग और मकरंद से कमल के पराग और मकरंद के प्रति समासक्त भ्रमर तीव्र गति से कमल की ओर जा रहा हो, को बीच में हथेली डाल दे तो काट के विदीर्ण करने का प्रयास करता है। एक क्षत्रिय थे शिवाजी, अब शरीर है या नहीं कानपुर के, वो नैमिष में एक जलाशय हम लोगों के पास था, उसमें कमल पुष्प हम लोगों ने लगाया था। स्वाभाविक रूप से उसमें कमल लगने लग गए। वर्षा के दिनों में पर्याप्त जल होता था, लगभग एक फरलंग लंबा, आधा फरलंग चौड़ा था वो सरोवर। भ्रमर मंडली कमल के पराग मकरंद का पान करने के लिए तीव्र गति से जाती। वो क्षत्रिय स्वभाव होने के कारण बीच में हथेली डाल देते, उनके हथेली को विदीर्ण करने का प्रयास भौरे करते। कठिन काष्ठ के वेधन में रहता है मतवाला, कमल नाल का भूना वेधक वही भौरा काला। देखो प्रेम का पंथ निराला राधेश्याम। कठिन काष्ठ के भेदन में जो रहता है मतवाला,
कमल नाल का भो ना विधत वही भौरा काला। देखो प्रेम का पंथ निराला। रात्रि गमिष्यति संस्कृत के सूक्तकारों ने लिखा, कठिन काष्ठ को भी विदीर्ण करने में भौरा समर्थ होता है, लेकिन अभीष्ट पुष्प के पराग मकरंद का पान, कमल के पराग मकरंद का पान करने में अलमस्त रहता है, सूर्य अस्तंगत हो जाते हैं। रात्रि भर बेचारा कमल मुकुलित कमल में फंसा रहता है। जो कठिन काष्ठ को भी विदीर्ण करने में, उसमें भी छेद करके निवास करने में समर्थ है, कमल के कोष को विदीर्ण करने में उसे क्या लगता है। लेकिन इसी का नाम प्रेम है। जब तक अपने आप सूर्य की रश्मि के योग से या प्रभात के योग से कमल अपने आप खिल नहीं जाएगा, तब तक उसमें बंद रहता है। यह प्रेम की कहानी है। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? संकेत किया कि प्रहलाद जी ने कहा सनकादि को प्रतिबंधित कर दिया कुछ समय के लिए, भगवान विष्णु के पास जाने से उन्होंने आपको शाप दे दिया। और शाप भी दिया संस्कृत में, हिंदी अंग्रेजी में दिया होता तो दो से ही सिंगुलर प्लूरल एक वचन बहुवचन संस्कृत में शाप दिया। संस्कृत में बहुवचन की सिद्धि दो के बाद होती है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। किसी को शाप ही देना हो तो हिंदी अंग्रेजी में दे दे तो हिंदी में एक वचन फिर बहुवचन, संस्कृत में एक वचन फिर द्विवचन फिर बहुवचन, दो से अधिक हो तब बहुत की सिद्धि हो। और अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल, अंग्रेजी व्याकरण की नकल की हिंदी वालों ने, इनके यहाँ भी द्विवचन नहीं, एक के बाद बहुवचन। संस्कृत में शाप दिया, और शाप की सिद्धि तब तक नहीं हो सकती थी, बहुवचन में शाप दिया तो कम से कम तीन जन्म ना हो जाए। तीन जन्म द्विवचन प्रमाणा, भगवान ने ही मारा फिर भी सदगति नहीं हुई। हते भगवान, मुक्त नहीं हुए भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी मुक्त क्यों नहीं हुए? ब्राह्मण ने बहुवचन में शाप दिया तो कम से कम तीन असुर योनि को प्राप्त होते तब मोक्ष होता, यही कहा। तो भगवान के भक्त के वचन को चरितार्थ करने के लिए ही, सनकादि ऋषियों के वचन को सत्य करने के लिए ही आपने मेरे पिता का वध किया। यह एक दिन हमने बताया आपस में, भक्त लोग भी विनोद करते हैं, राम जी के भक्त और कृष्ण जी के भक्त इकट्ठे हुए, हृदय से जानते थे कि दोनों एक ही हैं, लेकिन कृष्ण के भक्त बड़े चुलबुले होते हैं, छल छबीले नटनागर बांके बिहारी के भक्त ठहरे। उन्होंने कहा रावण कुंभकर्ण को मार तो दिया राम जी ने, लेकिन मुक्त तो नहीं हुए। आपके राम जी के द्वारा मारे गए भी मुक्त हो जाएं यह आवश्यक नहीं है। हमारे श्री कृष्ण भगवान ने कंस शिशुपाल आदि को मारा, मुक्त हो गए। कृष्ण भगवान के उत्कर्ष को सिद्ध करने के लिए राम जी के भक्तों को चिरा दिया। कौन? वृंदावन के भक्तों ने। तो क्या अर्थ हुआ? तीन जन्म द्विज वचन प्रमाणा, वचन शाप। शाप शक्त में क्या शक्ति है? वाणी तो है ना। किसी समर्थ को कोई समर्थ शाप दे दे, जिसको शाप दिया वो समर्थ उस शाप को स्वीकार न करे, तो शाप देने वालों पर ही वो शाप आके पलट जाता है। एक विकट बात। समर्थ को शाप दे, समर्थ होगा तभी शाप भी लगेगा, नहीं तो मैथिली में कहावत कौवा शराब पे व्यंग मर जाए, मेढक कौवा के चपेट पे नहीं आया तो कौवा ने शाप दिया मर जा,
तो कौवा के हिसाब से क्या मेढक मर जाएगा? कौवा शराब पे बैंग मर जाए, बैंग माने मेढक। क्या कौवे के हिसाब से मेढक मर जाएगा? ऐसा नहीं। लेकिन अपने भक्तों के वचन को सिद्ध करने के लिए बहुत विचित्र बात, भगवान को तो चार अवतार लेने पर, क्या वराह भगवान भी बने, नृसिंह भगवान भी बने, भगवान को चार अवतार लेने पड़े। भक्त स्थापित हो गए तीन बार जन्म, भगवान को चार अवतार लेने पड़े। इसलिए अपने भक्तों के वचन को सिद्ध करने के लिए आपने ऐसा किया। क्या किया? सदगति दे दी, सदगति का मार्ग प्रशस्त किया, प्रतिबंध हटा दिया। अब तुलसीदास जी ने सोचा अगर राम जी के द्वारा रावण कुंभकर्ण मारा गया, मुक्ति नहीं हुई, हमारे राम जी का अपकर्ष माना जाएगा कि राम जी के द्वारा मारे जाने पर भी इन बंदों की बंदे पंजाबी लोग ज़्यादा बोलते हैं, हमारे सहपाठी प्रायः 90% पंजाबी ही थे दिल्ली में, तो बड़ी विकट समस्या। भगवान करुणा वर्णालय अपने भक्तों के वचन को, सनकादि के वचन को सिद्ध करने के लिए, तुलसीदास जी ने सोचा मेरे राम जी के हाथों मारे गए रावण कुंभकर्ण फिर भी मुक्त नहीं हुए तो राम जी की तोहनी होगी, लोग चिढ़ाएंगे। इसीलिए उन्होंने सनकादि ऋषियों के द्वारा शापित जय विजय को रावण कुंभकर्ण के रूप में नहीं लिया, प्रताप भानु को बनाया। हाँ, अपना पेटेंट। अगर हम वो जय विजय वाले को बना देंगे तो राम जी की तोहनी होगी, लोग हमको चिढ़ाएंगे, तुम्हारे राम जी ने मारा तो मुक्त नहीं हुए। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसे रावण का चयन किया जो जय विजय का अवतार ना हो, क्या प्रतापवान को बनाया। क्या प्रतापवान वो तो नहीं थे ना, सनकादि के द्वारा स्थापित। तुलसीदास जी ने एक विविध एक मार्ग ही निकाल लिया अपने राम जी को बचाने के लिए। कोई ये ना कहे कि राम जी के हाथों मारे गए फिर भी कल्याण नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, श्री कृष्णचंद्र के द्वारा मारे जाने पर सदगति हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, अनेकों प्रकार से विविध विधा से अवतार होता है, लेकिन उन्होंने अपने राम जी के हाथों किस रावण को मरवाया, कुंभकर्ण को, तो प्रताप भानु के अवतार थे। इसका अर्थ क्या है, बस राम जी के हाथों सदगति हो ही गई। अगर वो जय विजय वाले को बनाते रावण कुंभकर्ण तो उनके राम जी के द्वारा मारे जाने पर भी उनकी पूर्ण सदगति नहीं होती, आखिर द्वापर में उनको जन्म लेना ही पड़ता। यह काम एकस्त्वमेव जगदे तदमुष्यत्यत्व माध्यन्तयो पृथगवश्यति मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः। यह जो संपूर्ण जगत है प्रभो, आपका ही उल्लास विलास है, जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास है, जगत चिद विवर्त है, जगत चिन्मय है, जगत चिन्मात्र है। तेजो बिंदु उपनिषद, वराहोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद, महोपनिषद, इन सब का अनुशीलन करके हमने यह क्रम निर्धारित किया। जगत चिदाश्रित है, चित स्वरूप परमात्मा के समाश्रित है। फिर जगत चिद विलास है, तुलसीदास जग चिद विलास को बूझत बूझत बूझे। जगत चिदाश्रित है, चित माने परमात्मा, ज्ञान स्वरूप परमात्मा,
जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास है, जगत चिद विवर्त है, जगत चिन्मय है और जगत चिन्ह मात्र है। अंत में आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि पंचरात्र आगम तद्वत् देहोपि चिन्मय है अपरोक्षानुभूति शंकराचार्य। पंचभूतों के द्वार से सही हमारे आपके शरीर का भी उपादान कारण चिदात्म तत्व ही है। स्वप्नावस्था में जो हमको शरीर प्राप्त होता है सप्तधातुमय होता है या नहीं भृगु जी? कान कहीं और था, उधर था। स्वप्नावस्था में जो हमको शरीर प्राप्त होता है वो सप्तधातुमय होता है या नहीं? नहीं। लेकिन स्वप्नावस्था का आतंकवादी स्वप्नावस्था के शरीर को ठाई कर दे तो रक्त की धारा अप्लावित होती हुई परिलक्षित होगी या नहीं? वो दृष्टिबंध चक्षुरबंध है। जादूगर जो होता है इंद्रजालिक मायावी चाकू लेकर अपनी आँख में चुभो लेता है, रक्त की धारा बहती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन क्या वो काना हो जाता है या अंधा हो जाता है? चक्षुरबंध इसको भगवान शंकराचार्य ने लिखा दृष्टिबंध। स्वप्नावस्था का जो शरीर होता है मनोमय है, मनोमय होता है, मन सप्त धातुमय नहीं है, असप्त धातुमय है। न्याय और वैशेषिक के अनुसार तो मन भौतिक भी नहीं है, मन भूत नहीं है, भौतिक नहीं है। उस दृष्टि से विचार करें तो और भी ऊंची बात है। स्वप्न में जो हमको शरीर प्राप्त होता है व्यवहारक्षम, जिसके द्वारा हम व्यवहार करने में समर्थ होते हैं, वह शरीर सप्त धातुमय नहीं होता, भौतिक भी नहीं होता। वेदांत प्रस्थान के अनुसार भौतिक होता हुआ भी सप्त धातुमय नहीं होता। वेदांत प्रस्थान में मन भौतिक है, न्याय वैशेषिक के अनुसार मन कारी कोटि का नहीं, न भूत है न भौतिक है, अणु परिमाण परिमित स्वतंत्र द्रव्य के रूप में नैयायिक वैशेषिक मन को स्वीकार करते हैं या मान्यता देते हैं। तो स्वप्नावस्था में जो शरीर प्राप्त होता है मनोमय, उस शरीर को कोई स्वप्नावस्था का आतंकवादी ठाई कर दे तो रक्त की धारा अप्लावित होती दिखाई पड़ती है या नहीं? वो प्रातीतिक है, स्वप्न के शरीर में क्या रक्त होता ही नहीं, सप्त धातुमय स्वप्न का शरीर होता ही नहीं। केवल भावना की प्रगल्भता से स्वप्नावस्था में चोट लग जाए तो रक्त की धारा अप्लावित होती है, दिखती है, पर वास्तव में स्वप्नावस्था का शरीर मनोमय होता है, मनोराज्य का शरीर मनोमय होता है, सप्त धातुमय नहीं होता। इसी से भगवान के श्री विग्रह की दिव्यता को समझने और सिद्ध करने का मार्ग प्रशस्त होता है। जब हमको आपको भी स्वप्नावस्था में व्यवहारक्षम व्यवहार करने में समर्थ एक ऐसा शरीर प्राप्त होता है जो असप्त धातुमय होता, तब भगवान का श्री विग्रह सप्त धातुमय नहीं है, श्री रामकृष्ण आदि का विग्रह, इसको मानने में क्या आपत्ति? आज समाजी सज्जनों सावधान। भगवान का जो श्री विग्रह है उसमें सप्त धातु का सन्निवेश नहीं होता, कैसे स्वीकार करें? जैसे कि स्वप्नावस्था में व्यवहार सिद्धि के लिए हमको जो शरीर प्राप्त होता है व्यवहारक्षम होने पर भी, व्यवहार में समर्थ होने पर भी वह सप्त धातुमय नहीं होता। कहा जा सकता है कि स्वप्नावस्था के हमारे शरीर को स्वप्नावस्था का कोई आतंकवादी ठाई कर दे तो स्वप्नावस्था में स्वप्न के शरीर से रक्त की धारा अप्लावित होती हुई परिलक्षित होगी, लेकिन जब स्वप्न के शरीर में रक्त है ही नहीं, असप्त धातुमय है, तो रक्त की धारा अप्लावित कैसे होगी? दृष्टिबंध इसका नाम है, चक्षुरबंध। इस प्रकार से
तब हमको आपको अभी एक ऐसा शरीर प्राप्त होता है स्वप्न में जो सप्त धातुमय होता है, तो भगवान तो कार्योपाधिक भी नहीं है। कार्योपाधि अयम जीव कारणोपाधि ईश्वर शुक्र रहस्य उपनिषद कार्य कारण ताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। कार्योपाधिक जीव है भगवान, कार्योपाधिक नहीं, भगवान अमना है। मन वेदांत प्रस्थान के अनुसार कार्य कोटि का पदार्थ है, भगवान के पास मन है ही नहीं। भगवान व्यवहार कैसे करते हैं? माया वृत्ति रूप संकल्प से भगवान का व्यवहार होता है। पंचदशी हम आप जो व्यवहार करते हैं मनोवृत्ति से, मनोवृत्ति रूप संकल्प से हम आप व्यवहार करते हैं, भगवान के पास मन नहीं होता। माया वृत्ति से भगवान व्यवहार करते हैं, माया वृत्ति रूप संकल्प से भगवान व्यवहार करते हैं। खड्गम प्रगृह अदवो चदसर्विधेसो स्वामीश्वरो मदपरो वतुकम हरामि। वाह, आपने सनकादि के वचन को सिद्ध कर दिया। मेरे पिता ने कहा मेरे अतिरिक्त अगर कोई ईश्वर है तो मेरे हाथ से तुम्हें मरने से बचा ले, आपने बचा लिया। एकस्त्वमेव जगदे तदमुष्य यत्स्व यत्त्वमाद्यन्तयो पृथगवस्य सीमध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः। जगदाकार भी भगवान जगदीश्वर ही हैं। हे प्रभो, संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं। क्रियाकारक फल ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। भगवान ही क्रिया भी, कारक भी, फल भी, अधिभूत भी भगवान, अध्यात्म भी भगवान, अधिदैव भी भगवान, जीव भी भगवान, ईश्वर भी भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म तत्व ही जगदीश्वर, जीव, अधिदैव, अध्यात्म, अधिभूत इन रूपों में उल्लसित है, विलसित है। यह दिव्य विज्ञान कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद थे तब उनको देवर्षि नारद से प्राप्त हुआ था। माँ के गर्भ में ही यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। देवर्षि नारद उपदेश देते थे, कयाधु तो भूल भी जाती थी लेकिन गर्भगत शिशु ने सुना। पहले जो गर्भिणी माताएं होती थी पुराण आदि की कथा सुनती थी, तो गर्भगत बालक धर्मनिष्ठ अध्यात्मनिष्ठ हो जाते थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने की विद्या या कला का श्रवण कहाँ किया था? माँ के गर्भ में, सुभद्रा देवी के गर्भ में थे। अर्जुन वीर थे, क्षत्रिय थे, सुभद्रा देवी को चक्रव्यूह का वर्णन करके सुनाया। एक क्षत्रिय वीर या कोई भी इस विद्या का जानकार, कला का जानकार चक्रव्यूह में कैसे प्रविष्ट करे ये भी सुना दिया। चक्रव्यूह विदीर्ण करके निकले कैसे जब सुना रहे थे तब सुभद्रा सो गए। सत्संग में सोना पूत को खोना के बराबर हो जाता। दो ढंग है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे अगर सत्संग में किसी को नींद आ जाए तो कम से कम ये कैप्सूल खाए बिना नींद आ गई, ये क्या कम है। इंजेक्शन लिए बिना नींद आ गई। लेकिन सत्संग में खोना, कभी कभी पुत्र को खोना, सत्संग में सोना पुत्र को खोना हो गया। सुभद्रा जी सो गई तो गर्भगत शिशु भी सो गया। एक नियम है, बच्चा माँ के नाभिमंडल से ऐसे संलग्न रहता है कि उसकी माँ को जब नींद आ जाती है तो गर्भगत शिशु भी सो ही जाता है। सुभद्रा जी को नींद आ गई। अर्जुन जी मस्त होकर क्या सुना रहे थे? चक्रव्यूह विदीर्ण करने की कला विद्या का वर्णन कर रहे थे।
गर्भगत शिशु भी सो गया। चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने का ज्ञान तो हो गया, चक्रव्यूह को विदीर्ण करके निकलने का ज्ञान नहीं हुआ। बाद में अभिमन्यु का जन्म हुआ, ननिहाल में पले, बलराम जी से गदा युद्ध इत्यादि तो सीख ली, लेकिन दैवयोग से चंद्रमा के पुत्र थे ना, चंद्रमा ने कहा था मेरा बेटा इतना प्यारा है, इससे वियुक्त में अधिक दिनों तक सुखी नहीं रह सकता, 15 वर्षों के लिए मैं अपना बेटा देता हूँ। वही अभिमन्यु होकर उत्पन्न हुए थे। विवाह हुए बस 7 महीने हुए थे तब वीर गति को प्राप्त हुए। तो जब अभिमन्यु माता सो गई तो अभिमन्यु भी सो गए, तो चक्रव्यूह विदीर्ण करके निकलने की विद्या उनको प्राप्त नहीं हो गई। इसलिए महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह में घुस तो गए, निकल नहीं पाए, वीर गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से यहाँ समझना चाहिए कि भगवान जो हैं सर्व रूपों में व्यक्त हैं, आदि में भगवान ही एकमात्र होते हैं, अंत में भी भगवान ही एकमात्र शेष रहते हैं, बीच में विविधता की प्रतीति होती है, लेकिन विविध रूपों में भी क्रियाकारक फल के रूप में भी प्रभु आपकी ही अभिव्यक्ति है, आपकी ही प्रतीति है, सर्व रूपों में आप ही उल्लसित हैं। जगत जो है आपकी शक्ति माया का परिणाम है और आपका विवर्त है, माया का परिणाम भगवान का विवर्त है, इस प्रकार कहा। आप प्रागेव विद्यमानत्वात् इसमें प्रवेश करते हैं, इसका अर्थ है पहले से ही प्रविष्ट हैं। ऐसा घट में आकाश प्रवेश करता है क्या? आकाश में ही घट का निर्माण होता है। प्रागेव विद्यमानत्वात् तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्, तो प्रागेव विद्यमानत्वात् ये भागवत का कथन है, प्रवेश श्रुति का अभिप्राय है। प्रागेव विद्यमानत्वात् सामान्य रूप से भगवान पहले ही चिदाभास के रूप में बाद में प्रविष्ट होते हैं, यह भी मान्य है। श्री राम जय राम जय जय राम।